हेलो फ्रेंड्स, गजानन ऑटो सर्विस एंड पार्ट्स में आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो अभी फिलहाल मेरे पास एक आई ये सिटी 100 बाइक, और एक्चुअली दोस्तों इस गाड़ी के अंदर मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दिखाने वाला हूं। आई थिंक सबको दोस्तों ये ट्रिक पता होगा, लेकिन कई हमारे जो नए मैकेनिक भाई होते हैं उन सबको मतलब थोड़ी सी परेशानी रहती है कि जो हमारा हैंडल टिक होता है वो प्रॉपर सीधा रहता है, जो शॉकर रहते हैं वो भी सही है, फिर भी हमारा जो आगे का मडगार्ड रहता है दोस्तों वो थोड़ा सा बेंड दिखता है। और सेम इसी तरह का दोस्तों ये प्रॉब्लम आया है हमारे पास। तो मैं एक्चुअली गाड़ी दोस्तों मेरे पास सर्विसिंग के लिए आई थी, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो इसको कैसे सही करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको फॉल्ट दिखा देता हूँ क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर मतलब ऐसी आपके पास कई गाड़ी आई होगी जिसका दोस्तों जो पीछे का मडगार्ड रहता है यहाँ से आप देखोगे तो टच करता होगा। मैं एक बार आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, सब कुछ सही है बिल्कुल, मतलब जो हैंडल टी है, जो हमारे शॉकर है, वो स्टीयरिंग है, सब कुछ सही है, फिर भी जो हमारा जो दोस्तों जो मडगार्ड रहता है वो बेंड रहता है और थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, और जिसके कारण हमें लगता है कि गाड़ी मतलब अभी भी थोड़ा सा बेंड है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, ये इसके अंदर क्या होता है कि कई बार दोस्तों जो मडगार्ड के अंदर क्लैंप रहता है वो थोड़ा सा बेंड रहता है, जिसके कारण दोस्तों जो हमारा ये मडगार्ड होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है। लेकिन इस अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आए तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों जैसे हम अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं उंगली करके इसको सीधा करता हूँ तो वापस से वो टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले दोस्तों जिस तरह का मतलब जिस साइड ये बैंड है उसके ऑपोजिट साइड हमें वॉशर रखने हैं। तो कैसे रखने हैं, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जगह ज़्यादा है और उस साइड बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो ये जो हमारा मडगार्ड रहता है वो थोड़ा टेढ़ा होगा इस साइड, और यहाँ पे जो दोस्तों क्लैंप रहता है यहाँ पे बीच में जो शॉकर पे लगता है इसका मडगार्ड का क्लैंप वो बैंड हो चुका है। अगर आप इसको खोल के सीधा करना चाहोगे फिर भी थोड़ा सा टेढ़ा तो रहेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अपोजिट साइड मतलब इस साइड के जिस साइड जगह है उस साइड दोनों बोल्ट निकाल देने, मैंने पहले ही निकाल दिए हैं, ठीक है गाइस। तो अब आपको क्या करना है, तो हमें इसको उस साइड थोड़ा फोर्स करना है, उस हिसाब से यहाँ पे जो मडगार्ड रहता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मडगार्ड और जो हमारा शॉकर रहता है बीच में जो जगह रहती है वहाँ पे हमें एक वॉशर रखना है मोटा सा। तो इस तरह का दोस्तों मैंने वॉशर निकाला है पुराना और यहाँ पे मैं बीच में रखूँगा, ठीक है, मडगार्ड और शॉकर के बीच में दोस्तों इस तरह का वॉशर रखूँगा मैं ऐसे, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है जो हमारा मडगार्ड रहता है वो थोड़ा सा खिसकेगा उस साइड और उसके कारण वहाँ पे थोड़ी जगह हो जाएगी। तो एक बार मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने वॉशर जो रहता है वो लगा दिया है, आप देख सकते हैं नज़दीक से ये वॉशर मैंने लगा दिया, और यहाँ पे अभी देखो दोस्तों बिल्कुल एक उंगली जितनी गैप हो गई है, और दूसरी साइड में आपको दिखा देता हूँ जिस साइड जो मडगार्ड रहता है वहाँ पर जगह नहीं थी यहाँ पर भी, ठीक है गाइस, बिल्कुल एक उंगली जितनी जगह हो गई है सारी तरफ। तो अभी मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ, तो जो मडगार्ड है बिल्कुल सेंटर में आ गया है, ठीक है गाइस। तो इसी तरह अगर आपका मडगार्ड या कोई भी गाड़ी का मडगार्ड आपके पास सर्विसिंग के लिए या आपकी खुद की गाड़ी का हो तो ऐसा प्रॉब्लम आए तो उसके ऑपोजिट साइड का जो दोस्तों बोल्ट रहते हैं उसको निकाल के बीच में आपको वॉशर रखना है, तो आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई नो दोस्तों मैंने कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था अपनी पर्सनल लाइफ में, तो अभी थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ, रेगुलरली वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल पे जो भाई नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि अभी नए वीडियो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।